खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सर्दी का मौसम है, कुछ खाना ऐसा हो जाए जो सर्दी में बहुत ही बढ़िया लगे। हमारे यहाँ पर तरह तरह के खाने मिलते हैं और यहाँ पर जितने प्रदेश हैं, बहुत सारे भारत में प्रदेश हैं, कौन से प्रदेश का खाना बनाया जाए? मुझे लगता है राजस्थान का खाना बनाते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप प्रदेश से आपने सोचना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कौन से प्रदेश का खाना बनाएंगे। जी हाँ, राजस्थान भी एक प्रदेश है और यहाँ का जो खाना है, यहाँ के लोगों जैसा बहुत ही रंगीला है, बहुत बढ़िया खाना है। और यहाँ की दाल बाटी चूरमा, भाई वाह, देसी घी में डूबी हुई बाटी, मुँह में पानी आ जाता है, ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन आज क्या बनाया जाए? वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज हैं, देखते हैं कि राजस्थान से आज क्या मैं लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। देखते रहें खाना खजाना। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा राजस्थानी फूड स्पेशल और इसमें शुरुआत करते हैं एक ऐसी सब्जी से जो राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है। और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये जो सब्जी है ये एक सीजन में उगती है और उसके बाद सारे साल इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही प्रेशर सब्जी है, ये सब्जी है गवार की। ये देखिए गवार की फलियां, ये सूखी वाली हैं, ड्राई। और ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में उगती है और सारा साल चलानी पड़ती है, तो लोग बहुत ही संभाल के इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी सब्जी बनाने के लिए ये जो गवार की फली है इसे आप भिगो के रख दें पानी के अंदर और उसके बाद में निकालें। कितनी देर भिगोना है? कुछ लोग आधा घंटा भिगोते हैं, मैंने देखा कुछ लोग दो दो घंटे इसको भिगो के रखते हैं। तो इसे हमने भिगो के रखना है, ये देखिए कम से कम घंटा तो ज़रूर भिगो लें। अब इसे पकाने के लिए हम पकाएंगे सरसों के तेल में। ये सरसों का तेल, अब इसमें तेज पत्ता, जीरा, इसके साथ में लाल मिर्च सूखी वाली, और अब इसमें डालते हैं हींग चुटकी भर, और ये है मस्टर्ड पाउडर, यानी सरसों राई पिसी हुई। अब ये गवार की फली इसके अंदर, इसके साथ इसमें डालें नमक और ये मिक्स कर लिया। इसमें डालते हैं थोड़ा सा दही, दही डालकर भी इसे मिक्स कर लिया। देखिए दही बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमने। अब इसके अंदर डालते हैं हम एक मसाला, और ये मसाला क्या है? ये है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर यानी खटाई, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चीनी। चीनी सब लोग नहीं डालते, खैर थोड़ी सी डाल लें, अच्छा टेस्ट आता है। और ये सब मिक्स कर लिया। इसमें डालें पानी और ये मसाला इसके अंदर पानी में घोल के, ये मसाला डालने के बाद में इसको हमने पकने देना है। एक और चीज इसमें डाल सकते हैं और ये है आम, सूखे हुए आम। और अब इसे आप तब तक पकाएं जब तक ये जो सब्जी है पूरी तरह से सूख ना जाए, इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है कि बस इसी में से अभी खा लूँ। आप भी खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोट करने पड़ेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप, और फिर बनानी पड़ेगी ये रेसिपी। उतनी देर तक मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सूखी हुई ग्वार की फलियां, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 सूखी लाल मिर्चें, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच सरसों का पाउडर यानी राई पिसी हुई, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच दही, 3 सूखे हुए आम के टुकड़े पानी में भीगे हुए, और मसाले के लिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर,
आधा छोटा चम्मच अमचूर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच चीनी। इसके लिए सबसे पहले सूखी हुई गवार की फलियों को एक घंटे के लिए करीब 4 कप पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद इसे पानी में से निकाल लें। अब एक पैन में सरसों के तेल को गर्म करके इसमें तेज पत्ता, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, हींग और सरसों पाउडर डालकर कुछ देर भूने। अब इसमें भीगी हुई गवार की फली डालें और इसमें नमक डालकर थोड़ा पका लें। इसके साथ इसमें दही डालकर मिक्स करें और कुछ देर तक पकाएं। अब एक कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चीनी ले लें और इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे खोल लें। अब इसे सब्जी में डालें और कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें पानी में भीगा हुआ सूखा आम डालें और इस सब्जी को तब तक पकाएं जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। राजस्थान का नाम आते ही सामने आ जाता है सब कुछ रंग बिरंगा। यहाँ के लोग जितने रंग बिरंगे हैं, इनकी पोशाकें उतनी रंग बिरंगी हैं, सब कुछ मस्ती भरा है। खुशियां मनाने, स्वागत और सत्कार करने में सबसे आगे हैं राजस्थान के लोग। यहाँ के खाने की तो बात ही कुछ और है। खैर, रंगों की बात कर रहे हैं तो सब कुछ रंगीन तो है ही। जी हाँ, जयपुर को ही ले लें, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ये शहर किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगता है, जी हाँ, खाने के अलावा क्या अच्छा लगेगा। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का, भाई वाह, बस अब कुछ और नहीं कह सकता क्योंकि मुंह में पानी जो आ रहा है। वेलकम बैक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खाना खजाना और मैं हूं शेफ संजीव कपूर। आज देख रहे हैं कुछ राजस्थान का खाना। वहां के लोग बढ़िया हैं, सब कुछ रंगीला है। जी हाँ, रेगिस्तान है लेकिन वहाँ पर जो रंग हैं, इतने ज़्यादा रंग हैं कि दिल करता है कि वहीं पर जाकर बस जाएं। और ख़ास तौर से सर्दियों में तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें शिकार बहुत पसंद है। आजकल बैन हो चुका है मैं जानता हूँ, लेकिन मटन बनाते हैं जंगली तरीके से। जंगली मांस टेस्टी है, मिर्चों वाला है, थोड़ा सा घबराहट होती है इतनी मिर्चें देखकर। लेकिन जिन्हें तीखा खाना पसंद है वो ये डिश खाएंगे, बनाएंगे तो इतनी बढ़िया कि बार बार इसी को बनाएंगे। मैं एक मित्र को जानता हूँ, एक बार उन्होंने ये डिश बनाई, अब जब भी कोई उनके घर आता है तो यही डिमांड करता है कि भाई वो जंगली मटन बनाइए वैसा वाला। तो देखिए कि क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए। ये जो मटन है इसके मीडियम साइज़ के पीसेस ले लें और विद बोन, हड्डी के साथ में, तभी बढ़िया इसका टेस्ट आता है। इसको पकाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं देसी घी से, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। इसके अंदर देसी घी, राजस्थान में जो खाना बनता है क्योंकि वहाँ पर सब्जियाँ तो कम होती हैं तो मसालों में ही इतना टेस्ट होता है कि बाकी और कुछ डालते नहीं है। जैसे ये जो मटन है इसमें बहुत कुछ नहीं डाला है, लेकिन फिर भी क्या क्या डाला है वो देखते हैं। घी तो गर्म हो रहा है, ये मटन ले लेता हूँ मैं और इसे मैरिनेट करते हैं हम। ये नमक और उसके साथ साथ ये लाल मिर्च की पेस्ट है लहसुन के साथ में, और अब इसमें दही। ये जो मटन है इसको मैरिनेट करने के लिए हमने रखना है। अब जब घी गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर डालें ये तेज पत्ता, उसके साथ साथ कुछ इलायची, छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची। इसके साथ में ये जो डिश है इसके लिए एक्चुअली पहले वार्निंग होनी चाहिए कि काफ़ी तीखी है, नहीं तो आप डर जाएंगे, इतनी मिर्चें डल रही हैं इसके अंदर। सूखी लाल मिर्च ये गरम मसाले के साथ में, इसमें ये दालचीनी रह गई थी तो चलिए दालचीनी भी डाल देते हैं, और इसके साथ जीरा। अब इसके अंदर ये लहसुन, पतला पतला लंबा कटा हुआ लहसुन, और लहसुन के साथ में इसमें थोड़ा प्याज भी डालते हैं, ये भी पतला कटा हुआ, लंबा कटा हुआ, स्लाइस किया हुआ। वैसे वहाँ पर कुछ लोग इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने एक दो बार जब बनाया है बिना प्याज के तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया,
क्योंकि जब भी हम मटन बनाते हैं और खाते हैं तो उसके साथ में कुछ मसाला होना चाहिए। तो ये प्याज डालकर इसे हमने भूनना है और जब ये थोड़ा भुन जाए अब इसके अंदर डालें ये मैरिनेट किया हुआ मटन, जो थोड़ी सी दही में उसके साथ में लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट में साथ में नमक इसके अंदर मैरिनेट किया है इसे। अब मटन डालकर इसे हमने कुछ देर तक भूनना है। अब ये जो मटन है इसको हमने काफ़ी तेज आंच पर पका लिया है। अब इसके अंदर डालते हैं धनिया पाउडर और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई। अब ये कितनी डालनी है, जितनी खा सकते हैं उतनी डालें। मैंने ये देखा है कि जितनी बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चें डाली हैं लोग उतने ज़्यादा खुश हुए हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही कोई स्पेशल चीज़ है। और अब इसमें डालते हैं थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी डालकर अब जब ये उबल जाए इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाकर आप इसे प्रेशर कुक कर लें, यानी प्रेशर कुकर के अंदर तब तक पकाएं जब तक ये मटन पूरी तरह से गल ना जाए। ये है जंगली मांस एकदम लाल वाला, बढ़िया है, टेस्टी है, बना के देखें। अब किसके साथ इसको खाया जाएगा, अब कोई भाकरी बना सकते हैं ज्वार की, बाजरे की, या चाहें तो बाटी के साथ भी खा सकते हैं। भाई अब कुछ ना मिले तो आप ब्रेड स्लाइस ने और डुबो डुबो के इसके अंदर खाएं, बहुत टेस्टी है, मसालेदार है, मटन है, बनाइए, खाइए। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक अच्छी सी रेसिपी, बढ़िया रेसिपी जो आप सब जानना चाहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 800 ग्राम मटन के पीसेस, नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट, 1 कप दही, आधा कप घी, 2 तेज पत्ते, 6 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 4 सूखी लाल मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के 1 इंच के साइज के, 1 छोटा चम्मच जीरा, 6 लहसुन की कलियां स्लाइस की हुई, 3 प्याज स्लाइस किए हुए, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके लिए सबसे पहले बोल में मटन के पीसेस ले लें और इसमें नमक, लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट और दही डालकर मिलाएं और इसे करीब 2 घंटे तक रख दें। एक प्रेशर कुकर में देसी घी गर्म करके इसमें तेज पत्ता, हरी इलायची, काली इलायची, सूखी लाल मिर्चें, दालचीनी और जीरा डालकर कुछ देर भूनें। अब इसके साथ इसमें डालें लहसुन और प्याज और इसे भी कुछ देर तक भून लें। इसके बाद इसमें डालें मैरिनेटेड मटन के पीसेस और इसे तेज आंच पर करीब 10 मिनट तक भून लें। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिलाएं और इसमें करीब 2 कप पानी डालकर मिक्स कर दें। इस पर ढक्कन लगाकर तब तक पकाएं जब तक मटन पूरी तरह से गल ना जाए और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। कहने के लिए तो राजस्थान रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ के किलों को देखकर ऐसा नहीं लगता, यहाँ की पोशाक देखकर ऐसा नहीं लगता, यहाँ के खाने को देखकर ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सब कुछ राजस्थान में ही है। यदि आप नहीं गए तो एक चक्कर तो मारिए, अब चाहे वो चाट के लिए हो या मिठाई के लिए या यहाँ के सत्कार के लिए, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा राजस्थानी फूड स्पेशल। राजस्थान में बाटी के बिना काम नहीं चलता, खैर दाल बाटी चूरमा, अब जो चूरमा है वो भी बाटी से बनता है, दाल तो आपको मालूम ही है, खैर बाटी बता देता हूँ। बाटी के लिए क्या चाहिए, गेहूँ का आटा, और ये जो आटा है ये आप एकदम महीन पिसा हुआ ना लें, थोड़ा सा मोटा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके लिए जो चक्की का पिसा हुआ आटा है वो बहुत ज़रूरी है। ये ले लिया आटा और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और इसके साथ में अब ये जो ट्रेडिशनल बनाने वाले हैं वो तो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड सीक्रेट है, थोड़ा सा सोडा आप इसके अंदर डाल दें और अब इसमें डालें घी, देसी घी, बाटी में कमाल ही घी का है, ये इसके अंदर मिक्स कर दिया घी और अब इसमें पानी, ज्यादा पानी
नहीं डालें। ये जो बाटी है इसका आटा जो है ये थोड़ा सख्त गूंदना पड़ता है। अब ये जो आटा है ये तैयार हो गया है, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा गूंदना है, एकदम स्मूथ करना है। आप ये आटा ले लें और हाथ से इसको दबा के ये इसकी बाटी बनानी है हमने। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, एक तरह से पेड़ा बना रहे हैं हम इसका, लेकिन ये एकदम पैक कर लिया। और अब फिर गोल इसको यहाँ रखा है इसलिए कि एक ट्रे ले लेते हैं हम और बहुत हल्का सा हाथ घी का। और ये जो बाटी हमने बनाई है इस ट्रे में रख देते हैं और बाकी इसी तरह से ये बाटी बना लेते हैं। इसे अवन में पकाएंगे हम, तो अवन को प्री हीट कर लेते हैं। ये अवन गरम कर लेते हैं हम और इसे करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने गरम करना है। जो बाटी है उसे आप तेज़ आंच पर ना पकाएं। आंच का मतलब आप अवन में जब इसे पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा अवन को गर्म ना रखें, ये पकने चाहिए मध्यम आंच के ऊपर। एकदम धीमी आंच पे पकेगी तभी बाटी टेस्टी बनेगी। अब ये जो बाटी है ये हमने रोल कर ली है, इसके पेड़े से बना लिए, अब इसे हमने पकाना है। ये पकाने के लिए आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ, आप देखें ये जैसे ये थोड़ा सा खुल रहा है, घबराने की बात नहीं है, ये हमें चाहिए तभी बढ़िया टेक्सचर मिलता है। जब ये पक जाती हैं थोड़ी और खुलेंगी और फिर चाहें तो घी के अंदर डुबो के फिर खाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये गरम अवन के अंदर, अब इसको पकने में कितना समय लगेगा, वैसे तो ये 10 मिनट 15 मिनट में भी पक सकती है, लेकिन अगर आप इसको धीमी आंच में या धीमे अवन में पकाएंगे तभी मज़ा आएगा। मध्यम हीट पे जब ये पकेंगी बाटी तभी टेस्टी बनेंगी और एकदम बढ़िया क्रिस्प करारी। उसके बाद गर्मा गर्म खाएं, घी ले लें कटोरी में और घी के अंदर डुबोएं गर्मा गर्म बाटी। और दाल बनानी है आपने तो कर लें, नहीं तो चूरमा भी इससे बन सकता है, बहुत बढ़िया बनता है। ये तो तैयार हो गई बाटी। खैर जो मटन हमने बनाया था उसके साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। खैर राजस्थान की जो जितनी चीज़ें हैं सारी टेस्टी हैं, बढ़िया हैं। वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, भाई बारिश नहीं होती तो सब्जियाँ नहीं होती, बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन जो भी होता है जिससे भी मिलता है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ खाने को मिलती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। इसलिए आज का स्पेशल एपिसोड राजस्थानी एपिसोड। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 2 छोटे चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 कप देसी घी, और बाटी सर्व करने के लिए देसी घी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे में नमक, बेकिंग पाउडर और घी डालकर मिक्स करें। अब इसमें पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें, इसकी छोटी छोटी गोलियां यानी पेड़े बना लें। अब एक बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लें और इसमें इन पेड़ों को रखें और हाथ से थोड़ा सा दबा दें। अब एक अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लें और करीब 15 से 20 मिनट तक ये बाटी को पकाएं और घी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो आज आपने देखा जो राजस्थान का खाना है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं काफी सिंपल होते हैं, लेकिन खाना एकदम लाजवाब। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम लाजवाब हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी यहाँ की जो है एकदम काबिले तारीफ है, खाना भी काबिले तारीफ, लोग भी काबिले तारीफ, और आप भी जो है ना बिल्कुल ध्यान से कार्यक्रम देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमेशा की तरह अच्छी अच्छी रेसिपी सिर्फ आपके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते क्या है, अगले हफ्ते देखेंगे।